खबर है देवरिया जिले के भाटपा रानी स्थित नगर में, जहां मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज में मालवीय चैलेंज कप अंतर्राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन आज के मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रोफेसर सतीश चंद गौर के द्वारा हुआ। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों के जो नाम है वह है सोनपुर, आजमगढ़, देवरिया, छपरा, गोरखपुर, कानपुर, सिवान, समस्तीपुर। आपको बताते चलें कि इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच 15 जनवरी 2023 को खेला जाएगा। आज के उद्घाटन मैच में आजमगढ़ बनाम सोनपुर के बीच खेला गया, जिसमें कि आजमगढ़ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 137 रन बनाए। इसके जवाब में सोनपुर की टीम ने 18.4 ओवरों में केवल 104 रन बनाकर सिमट गई। मैन ऑफ द मैच करार पाए पवन और, जो कि आजमगढ़ की तरफ से खेलते हुए 47 रन बनाए थे। मैच के आयोजक करता रहे बहुरानी वस्त्रालय के संस्थापक प्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष विजेंदर यादव, उपाध्यक्ष शुभम जायसवाल, सचिव जयप्रकाश यादव, मीडिया प्रभारी शिवम सिंह, कमेंट्री बॉक्स प्रभारी शिवेक सिंह सहित काफी सारे लोगों ने मौजूदगी दिखाई। देखिए रुस्तम अली के साथ पूरी रिपोर्ट। जी सर, आज जो ये मालवीय चैलेंज कप हो रहा है, क्या खिलाड़ियों को माइक बंद कराएं भाई, आवाज नहीं आ रही, माइक थोड़ा बंद, माइक बंद कराएं। सूर्य चुप हो जाइए। सर, जो ये मालवीय चैलेंज कप हो रहा है और आप मुख्य अतिथि हैं, खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? खिलाड़ियों को संदेश ये देना चाह रहे हैं कि पूरी शक्ति के साथ खेलें, खेल खेलें, खेल भावना से लें और पूरी 100% अपना दे दें। खेल में कोई हारता नहीं है, विनर और रनर होते हैं। ये मेरा संदेश है, खेलें, बढ़िया खेलें। जी सर, क्या पद है आपका? जी पद क्या है आपका? मैं इस महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर। धन्यवाद। इस मैच के प्रायोजक प्रकाश गुप्ता जी, बताएं आप इस मैच के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैच तो आज शुरुआत हुआ है, आजमगढ़ और सोनपुर की टीम अभी शुरुआत हुई है और जिस तरह कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जितना पब्लिक अभी जुटे हैं, हम तो ये चाहेंगे कि फाइनल 15 जनवरी तक और पब्लिक की भीड़ बहुत ज़्यादा हो और मैच में रोमांच भी बहुत ज़्यादा हो। और इसके लिए इसमें इस बार रांची से भी टीम आ रही है, कुछ उसमें रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी भी हैं। और आगे हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पे जो टीवी पे लोग जो देखते हैं प्लेयर को, इंटरनेशनल प्लेयर को, अगर यहाँ के दर्शक लोग को, यहाँ के भाटपरानी निवासी लोग को और सभी लोग का सहयोग रहा तो इंटरनेशनल प्लेयर को भी। अध्यक्ष जी, कितनी टीमें भाग ले रही हैं? कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 4 टीमें बिहार की और 4 टीमें यूपी की, जिसको हम अंतर्राज्यीय मैच कह रहे हैं। कहाँ कहाँ से टीम है? ये आज का जो मैच हो रहा है सोनपुर बिहार और आजमगढ़ के बीच खेला जा रहा है, दूसरा मैच कल फिर बिहार और यूपी के बीच खेला जाएगा, जो देवरिया और छपरा के बीच खेला जाएगा, परसों का जो मैच होगा वो गोरखपुर और कानपुर के बीच खेला जाएगा, और अगले दिन जो मैच खेला जाएगा वो समस्तीपुर बिहार और वो सिवान के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल का प्रोग्राम सेमीफाइनल 12 तारीख को रखा जाएगा, 13 तारीख को अवकाश रहेगा और 14 को फिर दूसरा सेमी और 15 तारीख को इस मैच का फाइनल खेला जाएगा। अध्यक्ष जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजेंद्र यादव है। थैंक यू सर, धन्यवाद मीडिया से बात करने के लिए।